बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पठान के सफलता के बाद अब फिल्म जवान में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने के लिए तैयार है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहा है किंग खान के अगले फिल्म का। काफी दिनों से खबर था कि शाहरुख खान का फिल्म जवान का रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब इसके रिलीज डेट के साथ साथ प्रोमो और ट्रेलर पर भी नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यूबर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवान के संबंधित कुछ ऐसा तथ्य जो आपको एज ए शाहरुख खान फैन जरूर जानना चाहिए। वीडियो को लाइक देते हुए पूरा अंत तक जरूर देखें। शाहरुख खान का फिल्म जवान का रिलीज डेट अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। पहले जो तारीख तय किया गया था, निर्माताओं ने फिल्म के रिलीज को लेके उसको आगे बढ़ाया गया है। ये फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का रिलीज में काफी समय बचा है। जवान का टीजर पहले सप्ताह में ही आ जाना चाहिए, ऐसा अफवाह उड़ रहा है। और इसी बीच सेल्फ क्लेम क्रिटिक कमल आर खान ने एक ट्वीट किया है जो कि काफी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। जी हाँ दोस्तों, KRK ने फिर से एक बार ऐसा ट्वीट किया जवान को लेके, आप दंग रह जाएंगे। कहाँ से मिलता है उनको ये सब खबरें, हम तो चौंक जाते हैं। दोस्तों KRK ने ट्वीट किया जवान के टीजर को लेकर। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि जवान का टीजर रिलीज होने वाला है 2 मई को, यानी कि आज से 2 से 3 दिन बाद। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हो शाहरुख खान के फैंस कितना एक्साइटेड है। KRK अपने आप को सेल्फ क्लेम क्रिटिक कहते हैं और वे समय समय पर अभिनेता और अभिनेत्रियों के ऊपर टिप्पणी करता है। 2 मई को जवान का टीजर लॉन्च होने वाला है। क्या आपको लगता है KRK का ये ट्वीट सही साबित होगा? अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे तो हमें पहले ही खबर था कि शाहरुख खान का जवान पहले सप्ताह में ही आने वाला है, लेकिन इतने स्पेसिफिक तरीके से KRK ने मेंशन कर दिया कि 2 मई को शाहरुख खान के जवान का टीजर आने वाला है। दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हुए जान लेते हैं जवान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपको एज ए शाहरुख खान फैन जानना ही चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म में किंग खान के साथ अभिनेत्री नयनतारा मुख्य भूमिका में नजर आएगी। वही फिल्म में अगर स्टार कास्ट की बात करें तो निर्देशक एटली द्वारा डायरेक्टेड किया गया फिल्म में शाहरुख खान के ऑपोजिट में दिखा जाएगा विजय सेतुपति को। उसके साथ सानिया मल्होत्रा, योगी बाबू, सुनील ग्रोवर की अहम भूमिका में नजर आएंगे। कहा जा रहा है फिल्म में अल्लू अर्जुन का केमियो भी नजर आने वाला है और इसके अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शाहरुख खान का जवान क्या पठान का 1000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? आपको क्या लगता है, आपका राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एज ए किंग खान फैन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फैक्ट ट्यूबर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।